नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 2 कार्यालय के समक्ष एक बार फिर सफाई कर्मियों ने अपने 3 माह के वेतन को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। साथ ही निगम प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 2 अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने फिर एक बार जोन कार्यालय में प्रदर्शन किया, क्योंकि इनके ठेकेदार ने विगत 3 महीनों से इनकी तनख्वाह रोक रखी है और मनमाने ढंग से वेतन कटौती भी कर रहा है, जिससे आक्रोशित ये सफाई कर्मचारी लगातार प्रशासन से यह गुहार लगा रहे हैं कि इनका वेतन जल्द से जल्द दे दिया जाए, अन्यथा ये सभी सफाई कार्य को प्रभावित करने के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। इसे लेकर श्रमिक नेता करादास डहरिया ने इन श्रमिकों के साथ निगम आयुक्त से मुलाकात की, जहां निगम आयुक्त ने निगम कोष में पैसे न होने का हवाला देते हुए फिलहाल 1,000 रुपए सफाई कर्मचारियों के खाते में डालने का आश्वासन दिया है। आज वह पिछले महीना भी हम लोग हड़ताल किए थे कि 2-3 महीना से पेमेंट नहीं दिया है, ऐसा बोल के हम लोग हड़ताल किए थे। तो पी वेंकट रमन हम लोग रैली लेके निकले थे, नगर निगम भिलाई बस गए थे, वहाँ पे हम लोग जाके रैली में बोले कि पी वेंकट रमन वहाँ पे आया कार से और आके बोला सब वर्करों को कि पेमेंट 2 बजे तक आप लोग का बचा हुआ शेष राशि आ जाएगा, और जो जुलाई महीने का पेमेंट है वो रक्षाबंधन से पहले सभी के अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा करके हम लोग को लिख के दिया है पी वेंकट रमन राव। उसके बावजूद हम लोग को पेमेंट नहीं दिया गया है। रक्षाबंधन इतना बड़ा हिंदू का त्यौहार है, हम लोग इतना कचरा इतना गंदगी में काम करते हैं, उसके बावजूद पेमेंट दूंगा ऐसा बोल के लिख लिया है, उसके बावजूद हम लोग को पेमेंट नहीं दिया है। तो वो पी वेंकट रमन ठेकेदार जो है उसको इतना संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? इतना बड़ा जो कलेक्टर है, इतना बड़ा जो शासन प्रशासन है, इतना गंदगी जो हम लोग स्वच्छ भारत मिशन में जो काम करते हैं, इतना गंदगी में जो काम करते हैं, तो उसको वो दिखाई नहीं दे रहा है निगम शासन प्रशासन को कि हिंदू का इतना बड़ा त्यौहार है, इतना कचरा में जो काम करता है उन लोग को पेमेंट मिलना चाहिए, ऐसा बोल के होश नहीं है क्या निगम शासन प्रशासन को? आगे चल के हम लोग सीधा पी वेंकट रमन को कलेक्टर के सामने बैठाएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने बैठाएंगे कि आपको इतना संरक्षण कहाँ से मिल रहा है, ये हम लोग कलेक्टर के सामने और बैठा के उसको मजिस्ट्रेट के सामने पूछेंगे डायरेक्ट, जो लिख के दिया है वो कहाँ से लिख के दिया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो निगम में सफाई कर्मी हैं, ये केवल जोन 2 का मामला नहीं, पूरे निगम के अंदर इसी तरीके से है कि वेतन जो है समय में मिलता नहीं, 2 महीने में 3 महीने में, और मिलता भी है तो कभी 3,000 डालेंगे, कभी 2,000 डालेंगे, बहुत ख़राब स्थिति है। और जो सफाई कर्मी उनको तनख्वाह ले दे कि 7,000-8,000 मिलता है, उसमें भी उनको समय में नहीं मिलता, तो उसका जीवन कैसे चलेगा? दूसरा ये है कि अभी रक्षाबंधन के समय इनको तनख्वाह नहीं दिया गया, तो भाई और बहन जो है राखी बांधने के लिए भी जो तरस गए कि वो उसके पास पैसा नहीं है, एक तरफ यही, अब दूसरे तरफ ये मजदूर बोल रहे हैं सफाई कर्मी कि देश के नेता सब तिरंगा यात्रा करो, घर घर तिरंगा लगाओ, ये बोल रहे हैं कहाँ से तिरंगा लेंगे साहब, हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि जो मजदूरों का हालत है, सफाई कर्मियों का हालत है, बहुत बद से बदतर है। तो अभी हमने आयुक्त साहब से बात किया, आयुक्त तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास तो फंड नहीं है, हम सरकार को बोले हैं कि फंड लाओ, तो हम बोले हैं कि आप बताइए कि फंड लाने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम भी आपके साथ मदद करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि हम काम करते हैं और हमको समय पर वेतन मिलनी चाहिए, यही हमारा मूल मांग था आज यहाँ। यह सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांग शासन प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं, परंतु अब तक कोई ठोस हल निकलता नजर नहीं आ रहा है, जिसे देखते हुए सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल करने का निर्णय ले ही लिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।